यूपी के रामपुर से भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा के नामांकन के बाद में जनसभा को संबोधित करते समय केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की जुबान फिसल गई। इन्होंने देश की सेना को मोदी की सेना कह दिया, जिस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और मुख्तार अब्बास नकवी को नोटिस सौंपा है, जिसमें 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने की बात कही गई। वहीं पर स्पष्टीकरण न देने पर आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की बात कही गई। तो हमारे सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके और पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को तबाह भी किया, उनको ढेर भी किया और उनके कैंपों को बर्बाद भी किया। और जब पुलवामा में हुआ तो बालकोट के अंदर हमारी मिसाइलों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने घुस करके पूरे के पूरे इलाके को तबाह किया और उन आतंकवादियों को भी खत्म किया। ये सामान्य सी घटना नहीं है। अब दिक्कत यह हुई कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सब चिल्लाने लगे कि भाई ये जो है जो मोदी जी ने घुस घुस करके, मोदी जी की सेना ने घुस घुस करके आतंकवादियों को तबाह किया, उसका सबूत। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।